हेलो फ्रेंड्स, टेक भरोसा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टेंशन गेमिंग बॉडी का जब से एक नया अपडेट आया है तब से एक नया प्रॉब्लम शुरू हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप प्ले बटन में क्लिक कर रहे हैं और गेम स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको गेम को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको टास्क मैनेजर ओपन करना है। टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए आपको टास्क बार में जाना है, फिर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको टास्क मैनेजर पे क्लिक करना है, तो आपका टास्क मैनेजर जो है ओपन हो जाएगा। या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट एस्केप बटन एक साथ क्लिक करके टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं। तो टास्क मैनेजर ओपन करने के बाद आपका अगर कुछ नहीं आ रहा है तो यहाँ पर मोर डिटेल्स पर क्लिक कीजिए। फिर मोर डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। कॉल करने के बाद आपको गेम लूप दिखेगा, तो उसको राइट क्लिक करके एंटर कीजिए। जितना गेम लूप दिखेगा उसको राइट क्लिक करके एंटर करने के बाद आपको जो टास्क मैनेजर है वो क्लोज कर देना है। फिर से आपका गेम लूप जो है ओपन करना है। तो 99% चांसेस है कि आपका जो गेम है वो इसमें ही स्टार्ट हो जाएगा। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गेम है वो ओपन हो चुका है, और फिर भी आपका नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पे जाके आप रिस्टार्ट कर सकते हैं। रिस्टार्ट करने के बाद 100% आपका जो गेम है वो स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो मेथड है ये सारे लैपटॉप्स के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि मैं खुद 7-8 बार लैपटॉप में ट्राई करने के बाद ये वीडियो बनाया हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया होगा। अगर सॉल्व हो गया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आपका कितना हेल्प हुआ है। अगर चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही सॉफ्टवेयर रिलेटेड वीडियोज़ हर वीक लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।